कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक ले रहे हैं क्लाउड किचन के अंदर किस प्रकार से कौन कौन से कुजीन के कॉन्सेप्ट आप लोग चुन सकते हैं और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं सिर्फ कॉन्टिनेंटल कुजीन के ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सिर्फ कुछ ही कॉन्सेप्ट्स मालूम हो, पर इस वीडियो के बाद आप यकीन मानिए आपको 10 ऐसे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे जो कि आप लोग अपने क्लाउड किचन में स्टार्ट कर सकते हैं या आप एक्चुअली उनको स्टार्ट भी या चला भी रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बर्गर का, बर्गर, फ्राइज़ और शेक्स। आप सिर्फ एक ये छोटे से कॉन्सेप्ट को लेके अपना क्लाउड किचन जो स्टार्ट कर सकते हैं। बर्गर्स में आप 12 से 15 प्रकार के बर्गर्स रख सकते हैं, क्योंकि जो बेस बर्गर होता है वो सेम ही होता है। उसके ऊपर आप अलग अलग टॉपिंग्स के साथ साथ अलग अलग सीजनिंग के साथ अपने बर्गर्स में वेरिएशन ला सकते हैं। साथ साथ आप इसके अंदर अपनी फ्रेंच फ्राइज़ सेल कर सकते हैं, उसमें भी आप कई सारे वेरिएशंस ला सकते हैं, और साथ साथ आप इसमें मिल्क शेक बेच सकते हैं। तो एक छोटा सा ये आपका बर्गर और मिल्क शेक और फ्राइज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि काफ़ी सस्ता भी पड़ता है स्टार्ट करने में और काफ़ी अच्छा चलता भी है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है हमारे पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और शेक्स का। आप पिज़्ज़ा का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करके, क्योंकि पिज़्ज़ा का जो बेस होता है सेम होता है, उसके बाद आप उसमें ढेर सारे वेरिएशंस करके आप अपने जो पिज़्ज़ा की जो एक अलग से चेन आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप पिज़्ज़ा के साथ आप फ्राइज़ बेच सकते हैं, मिल्क शेक बेच सकते हैं और अपनी पिज़्ज़ा के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा सकते हैं, और इसमें जो इक्विपमेंट्स लगेंगे वो भी काफ़ी सारे कम होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम लोग एक आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं वो है आपके हेल्थी किचन का। हेल्थी किचन क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, वो चाहते हैं कैलोरीज, लेस कैलोरीज वाला फूड खाना, कम तला हुआ फूड खाना। तो आप एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट भी लेके आ सकते हैं जिसमें कि आप लोग सैलेड, सूप्स हो गए, या ऐसे मेन कोर्स दे सकते हैं जिसमें कि कई सारी आपकी बहुत ही कम लो कैलोरीज हो। तो ये कॉन्सेप्ट में भी आपके जो इक्विपमेंट होते हैं बहुत कम लगते हैं, और ये भी काफ़ी आपका अच्छा चलता है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, बैचलर्स हैं, उनके लिए तो बिल्कुल बहुत ही ये एकदम आप बोलेंगे टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आप एक मेन इटालियन का एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जिसमें कि आप अपने पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़ और ये सारे आइटम ऐड करके एक साथ रख सकते हैं। आप 3-4 बर्गर ले लीजिए, अपने पिज़्ज़ास ले लीजिए, या अपने अपने उसमें थोड़े पास्ताज ले लीजिए, क्योंकि सबका बेस एक ही होता है। उसमें फिर आप कुछ कुछ नए नए इन्ग्रीडियंट्स अब जब आप मिलाते हैं तो आपका एक नई डिश रेडी हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बारबेक्यू का, BBQ जिसको हम लोग बोलते हैं बारबेक्यू। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, इसके लिए भी आपको ज़्यादा पेट्स की जरूरत नहीं होती है, ज़्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है, और इसमें आपके चिकन, वेज, नॉन वेज, पनीर, वेजिटेबल्स, काफ़ी सारे आइटम्स आ जाएंगे, और ये काफ़ी आपको चीप भी पड़ेगा। और साथ साथ आप चाहे तो इसके अंदर आप इसमें आपके कुछ ऐसे आइटम्स जैसे कि मान लीजिए आपके बर्गर्स थोड़े से रख लीजिएगा या फ्राइज़ आपके रख लीजिएगा एज अ साइड डिश, और आपके ड्रिंक्स, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और बीच में मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो ये मैं बातें बताता हूँ मैंने ये सारी अपनी कोर्स के अंदर इंक्लूड्स करी हैं, जो कि आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसका कि प्राइस मात्र 2500 रुपये है। और अब ये जो कोर्स है काफ़ी लोगों ने परचेज़ कर लिया है और इसका वो बेनिफिट भी उठा रहे हैं। अगर आप ये कोर्स परचेज़ करते हैं, जो कि मेरा PDF फाइल है, तो इसके अलावा आप चाहे तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और कहीं पे भी आप लोग स्टक होंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। साथ साथ अगर आपको मैन पावर की प्रॉब्लम होती है अपने इसके लिए, या आप एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट कोई भी चला रहे हैं और आप चाहते हैं कोई एक नया कॉन्सेप्ट अपने अंदर अपने रेस्टोरेंट के अंदर स्टार्ट करना सेम किचन से, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जिस प्रकार की भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आपकी इंडियन, चाइनीज़, मुगलई, बिरयानी, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, या आप मुझे मिल के ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, तो आपको जो चाहिए उसके हिसाब से हम उस चीज़ को कस्टमाइज़ करके आपके लिए रेडी कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये कोर्स लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में ही मिल जाएंगी। तो चलिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बेवरेजेस का। बेवरेजेस जैसे कि हमारा कैवेंडर्स आपने सुना होगा, आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने स्मूथीज हो गया, आपके आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, उसके साथ कुछ आपके कॉकटेल्स हो गए, माफ़ कीजिएगा, मॉकटेल्स हो गए, आपके फ्रेश जूसेस हो गए, कोल्ड प्रेस जूसेस हो गए, आपके शेक्स हो गए ऐसे। और शेक्स के अंदर आप कई सारे वेरिएशन कर सकते हैं, अपने इंडियन वेरिएशन, चाइनीज़ वेरिएशन, आप चाइनीज़ कोई मिल्क शेक निकाल सकते हैं, जी हाँ ये भी हो सकता है, ये भी है। अगर आप मुझसे पर्सनली कभी बात करेंगे तो मैं
इसके बारे में भी आपको बता सकता हूँ। तो आप सिर्फ एक मिल्क शेक वाला कॉन्सेप्ट आप रख सकते हैं, चाहे आप मिल्क शेक बेचिए, साथ में आप अपनी फ्राइज़ वगैरह भी बेच सकते हैं। इसके बाद आप अपना कोई भी मैक्सिकन कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिकन बहुत चल रहा है इंडिया में, मैक्सिमम मैक्सिकन में आप अपने रोल्स बेच सकते हैं। मैक्सिकन आप एंचिलाडास, नाचोस, टाकोस, ये सारी चीज़ें जो फॉरेनर्स खाते हैं आप ये बेच सकते हैं, और ये कोई इतना महंगा भी नहीं पड़ता है। पर जब आप इसको सेल करते हैं ऑनलाइन तो आपको काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। जो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा अरबिक कॉन्सेप्ट। ये एकदम नया है, और अगर आप चाहते हैं मैं इसके लिए आपके लिए मेन्यू बनाऊं तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अरबिक मेन्यू में आप लोग यूज़ करते हैं सी स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। आप आपके जो मेज़ा प्लेटर हम लोग आप फाइव स्टार होटल्स में देखते हैं, बाबा गनूज, हमूज, ताबुले, तो ये सारी डिशेज आप अपने अपने कॉन्सेप्ट में ला सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं वो है हमारा सैंडविच कॉन्सेप्ट। सैंडविचेस कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ही इक्विपमेंट बिल्कुल कम लग रहे हैं। सैंडविचेस में आपके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, इंडियन वेरिएशन हो सकते हैं, आपके कॉन्टिनेंटल वेरिएशन हो सकते हैं, चिकन जंगली सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच, चीज़ सैंडविच, आपके बहुत सारे सैंडविचेस हैं। आप ग्रिल, प्लेन, टोस्टेड, ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं। साथ साथ आप इसी के अंदर अपने फ्राइज, बर्गर्स या फिर अपने रोल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और उसके बाद लास्ट में हमारा 10वें नंबर पर हमारा डेजर्ट। डेजर्ट ऐसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको मैन पावर तो बिल्कुल ही लेस हो जाएगी, बिल्कुल एक मैन पावर, क्योंकि आप जितना भी अपना आइटम उठाएंगे वो आपको किसी एक बेकरी से उठाएंगे, वहां से आप लीजिए, अपने एक क्लाउड किचन चलाइए वहां पे, या आप जो मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बताएं उनके साथ आप ये चीज़ें ऐड करके अपना डेजर्ट भी चला सकते हैं। तो देखिए कितने ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि आप किस प्रकार से एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम करके अपनी मैन पावर भी बचा सकते हैं, अपने इक्विपमेंट की कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। अगर आप कुछ और भी अगर आपके दिमाग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन में मैं आके आपको समझाऊँ सिखाऊँ तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरे नीचे व्हाट्सअप के नंबर आएंगे, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और देखिए आपको जरूर इसका बेनिफिट होगा। अब कई सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि पुणे में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वर्चुअली, और उनको काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये बेनिफिट्स आपको भी हो। कमेंट्स करके बता दीजिएगा किस नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और साथ साथ इसे शेयर कर देना ताकि दूसरों का भी कुछ हेल्प हो जाए, आपकी जैसे हेल्प हो रही है। तो चलिए नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।